अगर आपसे कोई पूछे गुजरात ने इस देश को दिया है क्या, तो भाई बस उसके लिए वीडियो दिखा देना। गुजरात का जो देश का 5.96% कवर करता है, लेकिन देश का लगभग 76% नमक, 27% कपास अकेला देश को गुजरात देता है। यानी देश की 33% दवाइयां अकेला गुजरात ही बनाता है। और तो और देश की श्वेत क्रांति वाइल्ड रेवोल्यूशन देने वाला आनंद शहर भी गुजरात में है। यहां एशिया की सबसे बड़ी डेयरी मौजूद है। देश की इकोनॉमी में गुजरात का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि लगभग 41% केमिकल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट, 28% टेक्सटाइल यानी कपड़ा प्रोडक्ट गुजरात में ही बनता है। इसके अलावा लगभग 54% पेट्रोल डीजल, लगभग 39% गैस प्रोडक्शन गुजरात में ही होता है। तभी तो देश में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स गुजरात में ही है। और तो देश का लगभग 40% एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुजरात के ही पोर्ट से होता है। दुनिया के 90% डायमंड गुजरात के शहर सूरत में ही पॉलिश किए जाते हैं। गुजरात का ही गिरी फॉरेस्ट एशियाटिक लॉयंस का इकलौता घर। गुजरात का जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, और भारत में 60% पेट्रोकेमिकल इसी राज्य से आते हैं। गुजरात का अहमदाबाद भारत का प्रमुख औद्योगिक शहर है। अपने लोकप्रिय कपड़ा उद्योग के लिए इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। गुजरात भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है। गुजरात में भारत की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन यानी समुद्री रेखा 1600 किलोमीटर लंबी है, जो दुनिया के अन्य कई देशों से भारत की समुद्री रास्ते को कनेक्ट करती है। देश को महात्मा गांधी जैसा महान सत्याग्रही और सरदार पटेल जैसा लौह पुरुष और विक्रम साराभाई जैसा विज्ञान प्रेमी देने का श्रेय भी गुजरात को जाता है। गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी मौजूद है। कच्छ का रण दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान गुजरात में है। गुजरात का सूरत वह स्थान है जहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहली बार आई थी। गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा गुजरात में स्थित। द्वारका नगरी और सोमनाथ टेम्पल जैसे धार्मिक स्थल भी गुजरात में है। गुजरात में और भी कई सारे धार्मिक स्थल है। गुजरात में भावनगर जिले में 900 जैन मंदिरों का रिकॉर्ड है। इसके अलावा सोमनाथ, द्वारकाधीश मंदिर, अंबाजी मंदिर प्रमुख है। गुजरात अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी मशहूर है। यहाँ पर ढोकला, खांडवी, दाल ढोकली, जलेबी फाफड़ा, खमन, थेपला, उंधियू बासुंदी आदि यहाँ के कुछ प्रमुख पकवान है। यहाँ के पकवानों में आपको ज्यादातर मीठा स्वाद देखने को मिलेगा, और यहाँ पर खाने में ज्यादातर बेसन का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह गुजरात में स्थित था, जो मिस्र, बहरीन, मेसोपोटामिया आदि से जुड़ा हुआ था। गुजरात के कुछ और स्वतंत्रता सेनानियों की बात की जाए तो हंसा मेहता, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, अब्बास तैयब जी आदि कुछ प्रमुख हस्तियां गुजरात से ही थी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई भी गुजरात से थे। इसके अलावा धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, जमशेद टाटा जैसे कुछ प्रमुख उद्योगपति गुजरात से ही आते हैं। भारतीय क्रिकेट में कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की बात की जाए तो अजय जडेजा, इरफान पठान, यूसुफ पठान, मुनाब पटेल, पार्थिव पटेल, रविंद्र जडेजा, चेतेश्वर पुजारा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह आदि कई सारे खिलाड़ी गुजरात से ही आते हैं। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, जो पहले मोटेरा और अब इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। गुजरात के पाटन में स्थित रानी की वाव को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में 2014 में सम्मिलित किया गया। भारतीय रुपए 100 रुपए के नोट पर भी इसी स्थान को दिखाया गया है। इसके अलावा गुजरात सिंधु घाटी सभ्यता का भी एक प्रमुख केंद्र था। यहां से महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल लोथल, धौरावीरा नगरों के अवशेष यहीं से मिले हैं। गुजरात भारत का एक विविधतापूर्ण और समृद्ध राज्य है। यहां पर हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। यदि गुजरात एक देश होता तो वह विश्व का 67वां सबसे धनी देश होता। स्थानीय स्तर पर इस राज्य के नाम का मतलब ज्वेल ऑफ वेस्ट है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर पूरे एशिया में सबसे हरा भरा शहर है, इसलिए इसे ग्रीन सिटी कहा जाता है। गुजरात भारत का पहला पूरी तरह से शराब बैन करने वाला राज्य है। दूसरे स्थान पर बिहार है जहां शराब बैन है। बात गुजरात की सामान्य जानकारी की जाए तो इसकी राजधानी गांधीनगर है। यहां की राजकीय भाषा गुजराती है। यहां पर विधानसभा के 182 सदस्य, लोकसभा के 26 और राज्यसभा के 11 सदस्य आते हैं। गुजरात क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 5वां और जनसंख्या की दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा राज्य है। गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य गरबा, डांडिया और आदि है। कच्छ यह गुजरात का नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला है। गुजरात की प्रमुख नदी नर्मदा, साबरमती और ताप्ती है। गुजरात अरब सागर से लगा हुआ राज्य है, जहां कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी स्थित है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म स्थली पोरबंदर भी गुजरात में ही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सबसे पहला कारखाना गुजरात के सूरत में स्थापित किया था। गुजरात की सीमा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लगती है। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। इसमें अभी हाल में 33 जिले हैं। गुजरात का उच्च न्यायालय अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात का प्रमुख महोत्सव कच्छ महोत्सव है। यहाँ की साक्षरता दर 78.03% है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 6 करोड़ के ऊपर है, और यहाँ की लगभग 55% जनसंख्या गांव में, 45% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। गुजरात की कृषि की बात करें तो यहाँ पर ज्वार, बाजरा, गेहूं, तंबाकू, कपास, मूंगफली यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। वैसे गुजरात के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? अगर आपको भी गुजराती होने पर गर्व है तो वीडियो को शेयर करें और इसे अपनी स्टोरी पर जरूर ऐड करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए राज्य के साथ। जय हिंद।